जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज दी हांडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। जी आज हम आपके साथ जो वीडियो में रेसिपी शेयर करेंगे वो मॉनसून स्पेशल के हवाले से है। आपको पता है बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, तो जी इनमें जो है पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें जी हमने बिल्कुल सिंपल से सादे से पकौड़े बनाए हैं ताकि जल्दी से बन जाएँ। तो जी इन्ग्रीडियंट जो है वो हमने एक कप जो है बेसन लिया है, एक चम्मच नमक है, एक चम्मच हमने लाल मिर्चें ली हैं, एक चम्मच जो है हमने पिसा हुआ कुटा धनिया और ज़ीरा है, और आधा चम्मच जो है हमने लिया है अजवाइन का। और जी यहाँ पर जो है दो आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है, और थोड़ा सा हमने पालक लिया है, थोड़ा सा हरा प्याज है, हरी मिर्चें को काट के रखा है, और एक लेमन का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा पुदीने की भी दो तीन पत्तियाँ डाल लेंगे। अच्छा इस तरह है कि लेमन डालने से लेमन का जूस डालेंगे, बहुत अच्छे टेस्टी इनका टेस्ट जो बड़ा इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छे जो हैं आपको एक फ्लेवर देंगे लेमन का जूस। तो जी ये सारी चीज़ें जो हैं हम बेसन के अंदर मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले हमने डाल लिए हैं। जी स्पाइसेस जैसा कि हम हमेशा कहते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमने धनिया डाला है, हरा प्याज डाल दिया है, पालक डाली है, और जी थोड़ा सा दूसरा प्याज भी डाल लिया है। और अब हम इनकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे, और इसके बाद जो है लेमन में से जो है इसके सीड्स को जो है निकाल देंगे और इसका जूस डालेंगे, और उसके बाद जो है हम इनको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लेंगे, जिस तरह के पकौड़ों के लिए इन्हें घोला जाता है उस तरह से इनको बना लेंगे। और चलिए जी इनकी जो है अब हम फ्राइंग स्टार्ट कर लेते हैं घोलने के बाद। तो जी ये देखिए कढ़ाई में जो है हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, और जी यहाँ पर जो है वन बाई वन करके जो है हम हाथ से जो है डालते जाएंगे पकोड़े। अगर आप चाहें तो किसी भी स्पून से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से बड़े अच्छे से डल जाते हैं। तो ये देखिए इन्हें इस तरह से गोल्डन करके हम इन्हें निकाल लेंगे, और जितने भी हमारे दो तीन बैचेस में ये पकोड़े बनेंगे हम बना लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।